राइट सो दोस्तों, अगर आपसे एक बात पूछा जाए कि आपका बचपन का प्यार आखिर क्या था, प्रोबेबली आपका आंसर होगा कार्टून। लेकिन इस कार्टून की बहुत बड़ी दुनिया में अगर किसी कार्टून ने जगह बनाई है ना, तो वो है एनिमे कार्टून। और आप मुझे कमेंट में बताएगा कि आखिर कितने लोग ड्रैगन बॉल जी में स्पेशली गोकू के या नारुतो के या फिर वन पीस में लूफी के बहुत बड़े डाई हार्ट फैन हो मेरी तरह। आज इस वीडियो में हम एक बहुत स्पेशल बॉक्स अनबॉक्स करेंगे जिसके अंदर उन सारे यादों की खुशियां जुड़ी हुई है। और बेसिकली ये जो पैकेज है ना, कॉमिक सेंस ने भेजा है। कॉमिक सेंस एक वेबसाइट है जहां पर आपको एनिमे से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। और लिटरली इतना इंटरेस्टिंग और कूल वेबसाइट है ना, फटाफट देखते हैं यहाँ पर बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। मैंने भी बहुत सारी चीजें ऐसे मंगाई आपको दिखाने के लिए जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई। यहाँ पर देखो, पहले तो कॉमिक सेंस का बहुत खूबसूरत पैकेज रैप मिल जाता है। और अगर आपको कॉमिक सेंस से किसी चीज को खरीद कर किसी को गिफ्ट करना है ना, तो आप ये रैप सेपरेटली करवा सकते हो। ऑलराइट, बहुत सारी मशक्कतों के बाद ये खुल गया फाइनली। देखो चूंकि समर आ गया ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे टी शर्ट डिमांड कर रहे हैं। और अगर आपको मिल जाए आपके मन पसंद का टी शर्ट यानी एनिमी से रिलेटेड टी शर्ट, तो आपको आखिर कितना मजा आएगा। इस वीडियो में हम टोटल देखो 1, 2, 3, 4, 5 टी शर्ट देखने वाले हैं। एक एक करके देखते हैं, उसके बाद एंड में ना ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा ना, लाइक आपका पूरा दिल खुश हो जाएगा। पहला टी शर्ट हम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा खास ये टी शर्ट है। यहाँ पर देखो आपको कॉमिक सेंस की यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाएगी। कॉमिक सेंस फैब्रिक बहुत अच्छा है, कॉटन है, 100% कॉटन आपको मिल जाता है। थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है तो डेफिनेटली आपको कंफर्टेबल फील होगा। फुल ब्लैक कलर का है। अंदर देखोगे तो यहाँ पर कॉमिक सेंस की आपको पैचिंग मिल जाएगी। लेफ्ट आर्म पे आपको एक कॉमिक सेंस का पैच मिल जाएगा जो कि अगेन ब्रांडिंग की गई है, अच्छा लगता है। अगर इसके प्रिंट की बात करें ना, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मून बना हुआ है जिसके नीचे एक लैम्प पोस्ट है और उसके ऊपर हिताशी बैठा हुआ है जो कि एक रोग निंजा है। बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है ये प्रिंट। ये टी शर्ट डार्क में ग्लो करता है, बस ग्लो नहीं करेगा, इसका एक पूरा डिफरेंट लुक आपको देखने को मिलेगा जब भी आप इसे पहनोगे। बहुत इजिली लाइट सोर्स से ये चार्ज हो जाता है, उसके बाद जब पहनोगे ना तो इसका एक अंधेरे में बहुत इंप्रेसिव लुक आता है। तो अगर आपको ये प्रिंट अच्छा लग रहा है और ये लुक अच्छा लग रहा है ना, तो इसका प्रोडक्ट लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वैसे हम फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, देखो क्योंकि बहुत सारी चीजें दिखनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो टी शर्ट है ना, वो बहुत सारे लोगों का डिमांड लिस्ट में अभी एडेड है। ये भी बहुत ज्यादा एंड वन ऑफ माई फेवरेट टी शर्ट है इस पूरे हॉल का। फटाफट इसे निकालते हैं और देखते हैं। सेम ये ब्लैक कलर का पूरा फेब्रिक है और देख लो बहुत खूबसूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक साइज और थोड़ा सा बड़ा मंगाना चाहिए था। यहाँ पर सेम आपको कॉमिक सेंस की यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इसके लेफ्ट चेस्ट में ना एक एक्स जैसा लोगो मिल जाएगा। और आप सबको पता है कि ये एक्स साइन लूफी के पास उसके चेस्ट पर बचपन से था। पीछे बहुत बड़ा प्रिंट है और एक्चुअल लूफी स्नेक मैन बना हुआ है। वैसे मैं बताना चाहूंगा, इस प्रिंट की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो सकती थी, थोड़ा सा मुझे वीक प्रिंट लगा, लेकिन फिर भी स्टिल बहुत अच्छा टी शर्ट है। फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट टी शर्ट की तरफ। सेम ब्लैक है, प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे हम अपनी टी शर्ट की तरफ। एक काम करते हैं, चलो टी शर्ट थोड़ा बाद में देखते, बहुत ज्यादा बोरिंग टी शर्ट हो जाएगा। इस बीच में आपको एक स्केच बुक दिखाता हूँ जो कि भाई इनके साइट में ना बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स है। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत खूबसूरत बाइंडिंग के साथ आती है, बहुत अमेजिंग प्रिंट है और ऐसे ना बहुत कूल प्रिंट आपको इनके वेबसाइट्स में मिल जाएंगे। पीछे आपको कॉमिक सेंस का यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाएगा और देख लो यहाँ पर लिखा हुआ दिस नोटबुक बिलोंग्स टू दिस, अपना नाम लिख सकते हो। बाकी यहाँ पर देख लो बहुत खूबसूरत पेपर है, थोड़ा सा विंटेज फील करवाता है। तो अगर आपको ना स्केचेस ड्रॉइंग करना पसंद है या अगर कुछ लिखना भी चाहते हो, नोट डाउन करके रखना चाहते हो अपने पास और चाहते हो कि अपना फेवरेट कैरेक्टर वाला डायरी मेरे पास आए, तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट टी शर्ट की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट टी शर्ट हमारे पास आ गया। और ये टी शर्ट इसलिए खास है भाई क्योंकि ये है एक जुजुत्सु कैसिन की टी शर्ट। बहुत ज्यादा स्वीट कलर है। यहाँ पर देख लो सेम आपको कॉमिक सेंस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। कपड़े की क्वालिटी स्टिल अच्छी है, 100% कॉटन है, तो डेफिनेटली आपको कंफर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कलर बहुत अच्छा है, देखो ऐसा कलर ना बहुत कम दिखता है। ये लैवेंडर कलर का इतना खूबसूरत है टी शर्ट, तो मैंने फटाफट इसे खरीद लिया। सेम आपको इसके लेफ्ट आर्म पे मिल जाएगी कॉमिक सेंस की पैच वाली ब्रांडिंग। अंदर भी आपको कॉमिक सेंस वाला पैच मिल जाएगा। ओवरऑल देखो तो पीछे से प्लेन है टी-शर्ट। टी-शर्ट के बीच में आपको गोजो सेंसाई का प्रिंट मिल जाता है जहां पर लिखा गया ओरा ओरा ओरा। और आप सबको पता है कि जब ये विलन पर अपना पावर फ्लेक्स करता है ना, तब ये बोलता है ओरा ओरा ओरा। इमोसिवली ना मैच हो रहा है। और सारी फिटिंग्स कैसी लग रही है वो तो आपको बीरोल के थ्रू दिख जाएगी। फटाफट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अमेजिंग टी शर्ट की तरफ। अब नारुतो की बात हो ही गई है ना, तो लड़कों की एक बहुत फेवरेट चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लुक एट दिस, ये एक्चुअली ना मिनाटो की कुनाई है और कुनाई एक्चुअली इस वेपन को बोलते हैं। अगर आपको नारुतो का पूरा चेहरा मिल जाएगा पीछे भी ऐसा फाइट करते हुए, बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। और ये प्लास्टिक नहीं है गाइस, ये एक्चुअल पूरा मेटल का बना हुआ है और बहुत शाइन कर रहा है, पॉलिश्ड मेटल है। और इसमें फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक जुत्सु इंग्रेव्ड है।
बहुत खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल ना रियल सा लगता है। और इसमें एक अच्छी बात क्या है ना कि ये जो ऐसा उंगली वाला हुक है ना यहाँ पर, इस पे एक्चुअल बेयरिंग ऐड की गई है, जिससे क्या होता है ना आप इसे ना ऐसे स्पिन कर सकते हो। देखो ये प्लास्टिक होता ना तो बहुत बेकार लगता है, लेकिन मेटल है ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखो ये भी बता दूं कि ये ना बिल्कुल भी शार्प नहीं है, क्योंकि देखो सेफ्टी पर्पस है, ऑनलाइन आप ऐसे शार्प चीजों को सेल नहीं कर सकते। तो सीधी बात समझ लो कि ये वेपन नहीं है, बस ये टॉय है जिसे आप एज अ फैंसी आइटम रख सकते हो। लेकिन ये एंड नहीं है, इससे भी एक बहुत खास चीज है जो मैं आपको दिखाऊंगा। फटाफट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अमेजिंग टी शर्ट की तरफ। ये जो टी शर्ट है ना आप देख लो, नहीं नहीं आप तुम देख ही लो, एक व्हाइट कलर का टी शर्ट। आप सबको पता है व्हाइट मेरा फेवरेट कलर है। इस टी शर्ट का नाम है आर्ट बाय लूफी। और अगर आपने वन पीस देखा है तो आपको पता होगा कि लूफी का जो पैरट का जो साइन था ना वो इसी शेप का था, और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा, फनी भी लग रहा है, थोड़ा सा स्केलेटन बेंड हो गया। लूफी का हेड भी इसने पहन रखा है और नीचे लिखा भी हुआ है आर्ट बाय मंकी डी लूफी। इसका प्रिंट ना बहुत प्रीमियम है, बहुत अच्छा प्रिंट है इसका, साथ ही साथ कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगेन इसमें भी आपको लेफ्ट स्लीव पे CS यानी कॉमिक सेंस की यहाँ पर ब्रांडिंग पैचिंग मिल जाएगी, अंदर भी एक पैच मिल जाएगा आपको, और पीछे पूरा प्लेन है, बस बीच में आपको प्रिंट मिलता है। और साथ ही साथ ये उतना इंगेजिंग प्रिंट नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ना क्लीन और अच्छा लग रहा है देखने में। पहन के तो आप देख ही रहे होंगे पीछे कैसा लग रहा है कैसा नहीं। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये बस ना एक छोटा सा पार्ट है, इनके बहुत बड़ी कलेक्शन है, फुल स्लीव की बहुत सारी कलेक्शन है जिसे आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फटाफट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अमेजिंग प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि देखो बहुत सारे अभी भी देखने हैं। अब देखो थोड़ी सी बात कर लेते ना पोस्टर्स की। देखो एनिमीज के पोस्टर हम सबको लगाना बहुत पसंद है, और मैं तो बस कलेक्ट ही किए जा रहा हूँ। कॉमिक सेंस से मैंने यहाँ पर 3 पोस्टर्स मंगाए हैं, बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ आते हैं, तो पोस्टर आपका खराब होने वाला कोई टेंशन नहीं है। पहला जो पोस्टर मैंने मंगाया है वो है लूफी का वांटेड पोस्टर, जिसकी क्वालिटी पेपर क्वालिटी अच्छी है, डिसेंट है, प्रिंट की क्वालिटी भी अच्छी डिसेंट है, यहाँ पर अच्छी लगी मुझे। लूफी यहाँ पर स्माइल करते हुए, और अगर आपको इनके पूरे टीम की वांटेड पोस्टर चाहिए ना तो वो भी आपको मिल जाएगी इनके वेबसाइट पे। सेकंड मैंने जो पोस्टर मंगाया है वो है नारुतो का पोस्टर, जो कि अगेन बहुत ज्यादा कूल लग रहा है, एग्रेसिव दिख रहा है ऊपर नारुतो और नीचे यहाँ पर छोटा वाला नारुतो बना हुआ, बहुत अमेजिंग लग रहा है। नेक्स्ट जो है वो है भाई मेरा फेवरेट हीरो गोकू। गोकू का पोस्टर यहाँ आपको मिल जाता है, बहुत अमेजिंग लग रहा है गाइस, बहुत अमेजिंग। और ये सारे जो वॉल्स पे जाएंगे ना बवाल ढाएंगे। नेक्स्ट आइटम वो छोटू छोटू सा आइटम है। यहाँ पर अगर आपको बहुत सारे फेवरेट कैरेक्टर्स के आपको स्टिकर्स चाहिए अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में या फ्रिज में, तो अंदर आपको बहुत सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। मैंने पर्सनली एक माजिन बू का स्टिकर मंगाया है, एक लूफी के पायरेट वाला जो साइन था उसका मंगाया मैंने स्टिकर, एक गोकू का मैंने स्टिकर मंगाया जो कि रेमेन खा रहा है, एंड एक लूफी के हैट का मंगाया मैंने स्टिकर। बहुत ज्यादा कूल कूल स्टिकर्स है। ये सारे स्टिकर्स इसलिए भी खास है ना क्योंकि ये सारे स्टिकर्स वाटरप्रूफ है एंड डस्ट एंड स्क्रैच रेजिस्टेंस है, और ऐसे बहुत सारे स्टिकर्स भी आप मंगा सकते हो। साथ ही साथ मोबाइल के भी बहुत सारे एक्सेसरीज आपको वहां पर मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर एक पॉप सॉकेट भी मंगाया है, याद है वो थंब वाला ग्रिप जो हम अपने मोबाइल में लगाते हैं और ऐसे पीछे रखते हैं, बहुत अमेजिंग इसकी भी क्वालिटी है। अगेन आप ऐसे बहुत सारी चीजें मंगा सकते हो गाइस, ऑफिस के लिए एक्सेसरीज, नेकलेस, रिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीजें कॉमिक सेंस में। प्रिंट एकदम ऐसा नहीं है ना कि कागज वाला प्रिंट है बहुत जल्दी निकल जाएगा, वैसा कुछ नहीं है, क्वालिटी अच्छी है। पर देख लो पीछे इसका ऐसा निकालने का, मोबाइल में चिपकाने का, और इसे पड़ करके ऐसे पड़ खोलने का, ऐसे यूज करने का, काम ना हो तो ऐसे बंद कर देने का। ऑलराइट, ये ना इस वीडियो का सबसे एक्साइटिंग प्रोडक्ट है। वो क्या है आप इमेजिन कर सकते हो इसके अंदर क्या है? देख लो एक बुक जैसा लग रहा है, एक बॉक्स जैसा लग रहा है, मे बी इसके अंदर कोई डीवीडी कैसेट हो सकता है, क्या हो सकता है इसके अंदर। यहाँ पर देखोगे तो वन पीस का बहुत खूबसूरत लोगो मिल जाएगा, उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, यहाँ पर जोरो है, लूफी है। लेट्स अनबॉक्स दिस एंड देखते हैं कि क्या है, क्या खूबसूरत सा सेट है। ऐसे अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या है, इसमें तो भाई तलवार उलवार दिख रहा है बहुत सारा छोटा छोटा। ये एक्चुअली एक कीचेन प्लस नेकलेस सेट है। कीचेन के लिए यहाँ पर एक हुक मिल जाता है जिसपे आप अटैच कर सकते हो ये सारी चीजें। ये बहुत सारे अटैचमेंट्स आपको मिल जाते हैं अलग अलग तरह से, आपको अगर किसी में कुछ यूज करना है किसी में कुछ यूज करना है। आपको नेकलेस लटकाने के लिए इसमें एक चेन मिल जाता है, और भाई देख लो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हुक्स मिल जाते हैं। तो पूरे अटैचमेंट्स इसमें दिए गए हैं, आपको जिस हिसाब से इसे यूज करना है ना आप यूज कर सकते हो। अब मैंने इसे इसलिए मंगाया ना क्योंकि जब मैं वन पीस देखता था ना तो जोरो के पास ना एक गले में तलवार हुआ करता था, और वो तलवार इन्होंने ना यहाँ पर दे रखा है। ये तलवार को आप एज अ नेकलेस यूज कर सकते हो, एज अ जो चाहे बन गा के यूज कर सकते हो। भाई यहाँ पर इसका हुक मिलता है, और पूरी जो बिल्ड है ना वो पूरी मेटल की है, तो एक्चुअली ना बहुत प्रीमियम फील होता है। साथ ही साथ यहाँ देख लो कि एक पेंडेंट आपको मिल जाता है, पीछे वन पीस लिखा हुआ है, इसकी पॉलिशिंग सारी चीजें ना बहुत ज्यादा प्रीमियम है। एक और यहाँ पर आपको क्रॉस मिल जाता है जिसपे अगेन बहुत सारी डिटेलिंग की गई है, ऐसा एक चाकू जैसा है, लेकिन इसको आप ऐसे करके बंद करके ना पूरा क्रॉस भी बना सकते हो, और बहुत ज्यादा अमेजिंग क्वालिटी है, शाइन कर रहा है, और कहीं भी ना आपको चीप काम नहीं मिलेगा, छोटे छोटे
इसमें डायमंड्स लगाए गए हैं जो कि रियल डायमंड्स नहीं है, बस स्टोन्स है। तो अगर आपको ये सारी खूबसूरत एक्सेसरीज चाहिए ना, तो आप डेफिनेटली अपने कलेक्शन में इसे रखने के लिए यूज कर सकते हो। फटाफट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अमेजिंग एंड द लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। ऑलराइट, आगे हम अपने लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। फटाफट, ये टी शर्ट कॉमिक सेंस के कॉस्प्ले कलेक्शन में से है। अगर आपको इस टी शर्ट के बारे में नहीं पता तो आपको बता दूं कि ये टी शर्ट हिनाता की जर्सी है जो कि टीम करासुनो के लिए खेलता है। अगर इस टी शर्ट के मटेरियल की बात करें ना, तो आपको बता दूं कि इस टी शर्ट में बहुत ही प्रीमियम मटेरियल यूज हुआ है, जिस मटेरियल का नाम है ड्राई फिट टेक्नोलॉजी, और इस मटेरियल को स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में टॉप ऑफ द लाइन मटेरियल माना जाता है। यहाँ पर अगर कलर की बात करें तो दो तीन कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। साइड साइड ऐसे करके ऑरेंज यूज किया गया है, बीच में ब्लैक है और व्हाइट का थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ वहाँ स्ट्रैप्स मिल जाएगा। चेस्ट पे और बैक में आपको 10 प्रिंटेड मिल जाता है। इस टी शर्ट का नाम करासुनो टी शर्ट है। अगर इसके नेक की बात करें ना, इसमें आपको कॉलर मिल जाते हैं और कॉलर में भी ना आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रैप्स मिल जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ड्राई फिट टेक्नोलॉजी के साथ आती है, कभी भी आपको ना ऑड टाइप का फील नहीं होगा अपनी बॉडी में, बहुत ज्यादा कम्फी लगता है। आई नो ये थोड़ी हॉल अब बड़ी हो गई, बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे ना, आपको सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे होंगे, और अगर उसमें से कुछ भी पसंद आया होगा ना, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में कॉमिक सेंस का, वहां जाकर खरीद सकते हो। और नहीं भी पसंद आया है ना, तो भी बहुत सारी चीजें स्टिल एक्सपीरियंस करने के लिए है, जो कि आप कॉमिक सेंस की वेबसाइट में जाकर वो सारी चीजें देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अंकुश कुमार मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।